Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I'm going to share with you how to make mustard sauce at home. For this I have 1 cup of mustard and I soak them into hot water for 2 to 3 hours. I put the water on the stove to get hot. Aaj aapke saath main मस्टर्ड सॉस बनाने की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ और इसके लिए मैंने 1 कप मस्टर्ड सीड्स या मेथरे ले लिए हैं और पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं इस गर्म पानी में 2 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो कर रख दूंगा और 2 घंटे के बाद इसका अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे. नाउ आई पुट द वाटर इनटू द mustard seeds and let it soak for 2 hours. ये इसमें मैंने पानी में भिगो दिए हैं और 2 घंटे के लिए इसको पानी में भिगा रहने दूंगा और 2 घंटे के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड पीपल अराउंड यू. If you have any question in your mind, please write in the comment box. अगर आपने मेरा चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों गिरतों नुआ के लोगों के साथ मेरी वीडियो और चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें और मजे मजे खाने बना सकें. लेट्स सी आफ्टर 2 आवर्स. दो घंटे से मेथरों को मैंने पानी में सोक कर दिया था. अब मैं इनको ये स्ट्रेन कर रहा हूं. ये मेथरे जो हैं इनको मैं पानी में से स्ट्रेन कर रहा हूं. आज मैं आपके साथ मस्टर्ड पेस्ट बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर कर रहा हूं. इसके लिए मैंने मस्टर्ड का आपके सामने पानी में सोक कर दिया था 2 घंटे के लिए और अब ये सोक हो चुके हैं. अब मैंने इनको स्ट्रेन कर लिया. ये इनका एक्स्ट्रा वाटर जो है इसमें डस्ट पार्टिकल भी शामिल थे इसलिए मैंने इनको निकाल दिया और अब मैं 1 ग्लास वाटर जो है मैं इसमें डाल रहा हूँ. 1 ग्लास फ्रेश वाटर मैंने डाल लिया और अब मैं ये इसमें शामिल कर रहा हूं. इसके लिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक ऑनियन लिया है इसको मैं इसमें शामिल कर रहा हूं. 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ये भी इसमें मैं शामिल कर रहा हूं. अब मैं इनको सीमर करूंगा और इसको कुछ देर इसमें अच्छी तरह पका लूंगा ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं. नाउ आई एम कुकिंग the mustard seeds with spices. I use a small onion too and now I cook it for 5 minutes and then do the rest. ये अब पकना शुरू हो गए हैं तो इनको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इनको पकाऊंगा. सारे स्पाइसेस मैंने इनमें शामिल कर दिए हैं. अब इसमें मैंने सिर्फ सिरका शामिल करना है और इनको ग्राइंड करना है. ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ये पक रहे हैं और अब ये पक्का तैयार हो गए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं जग में डालूं और इनको एक थिक सी इनकी पेस्ट बना लूं. मेरे पास शीशे का जग है
तो मैं इसमें गर्म इसको डालूंगा। अगर आपके पास भी शीशका जग हो तो आप इसे गर्म ही डालें, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर जग में अंडे लें। नो आई एम पोरिंग इट इन टू द जग। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू मस्टर्ड सॉस एंड आई कुक द मस्टर्ड विथ स्पाइसेस एंड नाउ आई एम पोरिंग देम इन द ब्लेंडर जग। नाउ आई ब्लेंड इट इन द ब्लेंडर मशीन एंड देन डू द रेस्ट। आई ब्लेंड द पेस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन द जूसर ब्लेंडर and now I cook it again. Now I add half teaspoon of yellow food color to make its color very nice. Now I am adding the yellow food color. इसमें मैंने येलो फूड कलर जो है वो शामिल किया। ये आपके सामने जो है मस्टर्ड पेस्ट जो है ये बन रही है और इसमें मैंने शामिल करना है थोड़ा सा सिरका विनीगर। 4 स्पून्स ऑफ विनीगर इसमें जाएंगे सर्विंग वाले। आई एम गोइंग टू ऐड 4 सर्विंग स्पून्स ऑफ वाइट विनीगर। मैं व्हाइट विनीगर यूज कर रहा हूँ, आप एप्पल सीडर भी यूज कर सकते हैं। आई मिक्स इट वेल एंड कुक इट वेल। मैं इसको बड़ी अच्छी तरह पकाऊंगा और साथ साथ इसको कुक करता जाऊंगा। इसको मिक्स करूंगा, बहुत ही बेहतरीन जो है मस्टर्ड पेस्ट बनाने की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन और देखें बहुत थोड़े से मस्टर्ड से कितनी ज़्यादा पेस्ट जो है ये बन के तैयार हो गई है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक मई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज विद फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स एंड पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। इसको आप पिज्जे में, शवारमे में, सैंडविच पे, बर्गर पे, किसी भी फास्ट फूड में ये बहुत ही बेहतरीन जो है ये मस्टर्ड सॉस जो आपके सामने बन रही है। तो इसको आप मुख्तलिफ खानों में, फास्ट फूड के मुख्तलिफ खानों में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको तैयार करने के बाद मैं इसको दूसरे एक कंटेनर में बंद करके ऊपर से एयरटाइट करके रेफ्रिजरेटर कर दूंगा और इसको तकरीबन 2 माह से 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो है खुशबू इसमें से उठ रही है, वेरी नाइस। लुक एट द कलर, एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड फाइन। नाउ आई कुक इट। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस कदर ये फ्लफी हो जाएगी और इस तरह ये ग्रो हो जाएगी, तो इसलिए मेरा पॉट जो है वो कुछ छोटा पड़ गया, लेकिन इसको मैं अब इसी में ही रेडी करूंगा। ये पक रही है और अब तैयारी के करीब है। ये बहुत सी चीज़ों में, तकरीबन फास्ट फूड की तमाम चीज़ों में, मैरिनेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है मस्टर्ड सॉस को। तो इसको आप बनाएं चरगे के लिए, पिज्ज़े के लिए, आप बारबेक्यू के लिए, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो गर्ल्स, स्टीम रोस्ट के लिए, चरगे के लिए और लेग पीस के लिए, तवा पीस के लिए, कोई भी चीज़ आप बनाएं तो आप इसको बारबेक्यू में, इसको हर चीज़ में आप शामिल कर सकते हैं और ये अपना ही अपनी खुशबू और ये एक ख़ास जायका रंग होता है। इट शुड बी यूज इन मैनी मैरिनेशंस ऑफ द बारबेक्यू एंड फास्ट फूड्स। वेरी नाइस। नाउ इट इज़ अबाउट टू रेडी। ये तकरीबन रेडी हो गई है और इसको मैंने स्टोव से हटा लिया है।
अब इसको मैं इस पोल में शिफ्ट करूंगा। ये देखें कैसी जबरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। ये मेरा बॉल जो है इसे फिल हो गया है। वाह, लुक एट द कलर, लुक, आई फील इट्स अरोमा इज वेरी नाइस। इट इज वेरी नाइस रेसिपी, यू हैव टू ट्राई एंड एंजॉय इन योर फूड्स लाइक शवारमा, पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस एंड मैरिनेशंस ऑफ डिफरेंट चिकन रेसिपीज और एनी थिंग यू वॉन्ट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों रिश्तेदारों बिरतन वाले लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, और आप एक दफ़ा मेरी रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करें। आपको इंतहाई बेहतरीन रेसिपीज जो हैं वो मैं बना के दे रहा हूँ, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और जब भी आप, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तहरीर करें, तो मैं अब आ चाहूंगा, और आई विल बी देयर विद यू विद एन अदर माउथ वाटरिंग एंड टेस्टी रेसिपी। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।